तो ये तो नहीं होता था। तो जब तक सिनेमा थे तो कम से कम दाढ़ी वाले महफूज थे सिनेमा से। लेकिन मुसीबत अब आ गई है इस मोबाइल टेलीफोन की, स्मार्टफोन जिसको कहा था, स्मार्ट फोन, और उसको अरबी में तर्जमा किया जाता है अलहातिफुज जकी, उसका तर्जमा किया जाता है अरबी में अलहातिफुज जकी। अब वो जकी ऐसा है कि उसमें दुनिया भर का कूड़ा करकट जमा है, और अब किसी को फहाशी और उरियानी के मुतलाशी को सिनेमा में जाने की जरूरत नहीं है, उसकी जेब में पड़ा हुआ है। और खलवत में होगा, अगर सिनेमा जाता दाढ़ी के साथ नहीं जा सकता था, लेकिन अगर ये टेलीफोन मौजूद है और उसमें दुनिया भर की खुराफात उसके अंदर मौजूद है, तो वो तन्हाई में बैठे अपने कमरे के अंदर, उसको किसी की शर्म नहीं, उसको किसी का हया नहीं, जब तक अल्लाह जल्ला जलालू का खौफ उसके दिल में ना हो, अल्लाह ताला के सामने पेशी का एहसास उसके दिल में ना हो, उस वक्त तक ये मुब्तला हो जाता है इसमें। तो मेरे भाइयों, ये इस दौर का बहुत बड़ा अजीम फितना है जिसके अंदर हम लोग मुब्तला हो गए हैं। और ऐसा कोई अल्लाह का बंदा, कोई अल्लाह का बंदा होगा जो इस किस्म का फोन रखे और गुनाह से महफूज रहे? कहीं ना कहीं उसकी निगाह जो है वो ऐसी जगह पड़ जाएगी जो उसके लिए जहन्नम का ईंधन बनने के लिए काफी होगी, अल्लाह बचाए। लिहाजा मैं याद करता हूं कि या तो ये स्मार्टफोन रखो ही नहीं, मामूली किस्म का फोन रखो जिसमें सिर्फ बातचीत की जा सके, या सिर्फ उसके लिए जायज है कि जिसको ये यकीन हो कि मैं इसको गलत इस्तेमाल करने से महफूज रहूंगा हर कीमत पर। मुजाहदा यहां मुजाहदा है, मुजाहदे की यहां जरूरत है कि आदमी अपने नफ्स को कुचल कर अल्लाह तबारक व तआला के खातिर, अल्लाह की रजा के खातिर अपने नफ्स को कुचल कर या तो ये रखे ही नहीं, या रखे तो अपने आप को बचा कर रखे इस किस्म की चीजों से। ऐसी भी सुना है चीजें आ गई हैं जिसके जरिए इस किस्म की चीजों को निकाला जा सकता है, अगर ऐसा हो सकता हो तो बेशक रखे, लेकिन हर सूरत में मुजाहदा चाहिए कि अगर मैं ये देखूंगा तो मेरा अंजाम।